नमस्कार बच्चों, मैंने आपको व्याकरण में पाठ 8 सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर समझाया था पेज नंबर 48। यहाँ पर पेज नंबर 49 पर मैंने आपको सर्वनाम शब्द जो एक वचन और बहुवचन भी होते हैं यह भी मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर मैंने आपको सर्वनाम के भेद के बारे में भी बताया था, जो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। एक तो होता है पुरुषवाचक, दूसरा होता है निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा निजवाचक और छठा संबंधवाचक सर्वनाम। तो यह मैंने आपको सारा बताया था, जिसमें मैंने आपको पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इस तीनों के बारे में मैंने आपको बताया था। फिर से एक बार और मैं आपको बता रही हूँ कि पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि वे सर्वनाम शब्द जब बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जिसके उदाहरण है मैं, तुम, वह, मैंने, तुमने, उसने, आप, मेरा, तुम्हारा आदि। यहाँ पर आप इस चित्र में देख सकते हैं मैं खेलने जा रहा हूँ, यह बोलने वाले के लिए। तुम भी चलो, तुम सुनने वाले के लिए। उसे भी ले चलो, यह अन्य व्यक्ति के लिए है, इसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा भी मैंने आपको समझाया था निश्चयवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जिसके उदाहरण है यह, वह, इसने, उसने, इसमें आदि। यहाँ पर आप इस चित्र में भी देख सकते हैं यह सफेद रसगुल्ला दे दो, यह जो बच्चा है वह बताकर कह रहा है कि यह सफेद रसगुल्ला दे दो। तो यहाँ पर यह जो शब्द है यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह भी मैंने आपको निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में भी बताया था और उसके उदाहरण भी आपको समझाए थे। और यहाँ पर पेज नंबर 50 पर मैंने आपको अनिश्चय सर्वनाम के बारे में बताया था, ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी नहीं देते हैं वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि। यहाँ पर आप इस चित्र में देख सकते हैं, देखो बाहर कोई आया है, कोई, तो यह जो कोई है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। कोई यानी जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर जो यह शब्द कोई शब्द है यह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो बच्चों यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया था, अभी मैं आपको यहाँ पर आगे नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम समझा रही हूँ। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे आदि। यह जो सारे शब्द यहाँ पर दिए गए हैं यह प्रश्न पूछने के समय पर इसका प्रयोग किया जाता है, इसे कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका उदाहरण आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर एक चित्र है कौन शोर मचा रहा था। यहाँ पर जो अध्यापिका जी खड़ी है वह पूछ रही है कौन शोर मचा रहा था, तो वह यह प्रश्न पूछ रही है। तो यहाँ पर यह जो कौन शब्द है यह है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अभी हम आगे देखते हैं 5 निजवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द जो काम करने वाले अपने लिए प्रयोग करता है निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे स्वयं, खुद, अपने आप आदि। तो कहने का मतलब यह है कि जो काम करने वाला व्यक्ति होता है, जो अपने लिए
जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चित्र है और यहाँ पर उसके उदाहरण दिए गए हैं। मैं अपना काम खुद करती हूँ, तो यह जो करने वाली व्यक्ति है वह कह रही है तुम्हें भी अपना काम अपने आप करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खुद, अपने आप, यह जो शब्द है यह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो बच्चों अभी यहाँ पर आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा। अभी हम यहाँ पर आगे देखते हैं 6 नंबर संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आने वाले दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से जुड़े हो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जैसा वैसा, जो सो, जिसका उसका आदि। आप यहाँ पर यह उदाहरण देख सकते हैं जैसे को तैसा। यह एक कहानी थी जो आपने भी सुनी थी कि जैसे को तैसा मिल ही गया। तो यह एक के साथ दूसरा जो है वह जुड़ा हुआ है, यह एक दूसरे के साथ का संबंध जो है उसको बता रहा है। इसको संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो बच्चों आज मैंने आपको यह पाठ पूरा यहाँ तक समझा दिया है जो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। और आपको होमवर्क में पेज नंबर 52 पर यहाँ पर जो प्रश्न 2 है यह आपको टेक्स्ट बुक में फिल करना है। धन्यवाद।